हेलो फ्रेंड्स, आज का शो काफ़ी मज़ेदार रहा। जहां अंश एक अलग रूप में आज दिखाई दिए, वहीं आज दिलरुबा की भी ज़ोरदार वापसी हुई। तो चलिए आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज शो की शुरुआत होती है जहां सभी घर वाले अंश को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि चांद रस पीने के बाद से अंश को होश नहीं आया होता है। अब कुछ देर बाद अंश को होश आता है, लेकिन होश में आते ही वो अजीब सा बिहेव करने लगता है। वो बात ऐसे करता है जैसे वो खुद के बारे में नहीं, किसी और के बारे में बात कर रहा हो। अंश सभी घर वालों से बोलता है कि अगर उन लोगों में से किसी ने अंश की बात नहीं मानी या फिर उसे गुस्सा दिलाया तो उसकी उसे बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। साथ ही आज रात उसका राजतिलक है, इसलिए सभी लोग काम पर लग जाओ, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। सभी घर वाले सहमे हुए होते हैं और साथ ही अंश के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। वहीं सीरियल में दूसरी तरफ दिखाया गया, जहां सावी नमन के पास आती है और नमन बताता है कि वो अपनी मिसेज यानी दिलरुबा को चुड़ैल लोक से वापस ले आया। अब बस उसे इस तस्वीर से कैसे बाहर निकालना है ये उसे देखना है। और दोनों ही चुड़ैल शास्त्र और डायन रहस्य में ये ढूंढते हैं कि किस तरीके से दिलरुबा को निकाला जा सकता है उस तस्वीर के बाहर। इधर निशान जी बहुत परेशान होते हैं कि आखिर गुड़िया फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, ना ही उसके घर का कोई सदस्य फ़ोन उठा रहा है, क्या बात हो गई है। जिस पर अदृश्य बोलता है पापा हमें वहाँ चल के देखना चाहिए, आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है और कहीं उन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। जिस पर निशान कहता है कि नहीं, हम लोग वहाँ चलेंगे तो ज़रूर, लेकिन जब तक हमारी पूरी तैयारी नहीं होगी तब तक हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें पूरी तैयारी के साथ ही राठौड़ हाउस में चलना है। इधर अंश सभी घर वालों को बहुत डराता है, साथ ही वो आदि को भी ऊपर से उठा के नीचे फेंक देता है, जिस पर घर वाले बहुत शॉक्ड होते हैं कि अंश ऐसा कैसे कर सकता है, अपने ही बेटे को ऊपर से नीचे कैसे फेंक सकता है। इधर पिया अंश को खाने में नींद की दवा मिलाकर देती है ताकि अंश थोड़ी देर के लिए सो जाए और सभी लोग वहाँ से निकल जाएँ। सीरियल में आगे दिखाता है जहाँ दिलरुबा अपनी से हाथ निकाल कर बाहर से इमली उठाती है, जिसे सावी देख लेती है और वो नमन को भी दिखाती है। इस पर नमन दिलरुबा पर गुस्सा करता है कि इतने देर से हम लोग यहाँ परेशान हैं कि तुम्हें इस तस्वीर से बाहर कैसे निकालना है, लेकिन तुम हो, तुम तो खुद निकल सकती हो लेकिन तुम निकल नहीं रही हो, तुम्हें बताना नहीं चाहिए। जिस पर दिलरुबा कहती है तो मैं क्यों बाहर आऊँ, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ चुड़ैल लोक में, यहाँ मेरे पास गहने हैं, इमली है ढेर सारी, मैं बाहर क्यों आऊँ। जिस पर नमन कहता है कि क्या तुमको हम लोगों की याद नहीं आ रही है, मेरी याद नहीं आ रही है, मेरी तो छोड़ो, अपनी बेटी की याद नहीं आ रही है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर दिलरुबा कहती है कि हाँ, अब की अमावस्या को मैं आपको और डपली दोनों को ही चुड़ैल लोक अपने साथ ले चलूँगी। जिस पर नमन कहता है तुम पागल हो क्या, ऐसा थोड़ी होता है, तुमको इसमें से बाहर निकलना है, ना कि हम लोगों को उस तस्वीर के अंदर आना है। लेकिन दिलरुबा तो दिलरुबा है, दिलरुबा किसी की क्या सुनने वाली, और वो हंसने लगती है। इधर सभी घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि किस तरीके से अंश को रोका जाए। अंश को खाना तो खिला दिया जाता है, लेकिन अंश बेहोश होगा या नहीं, थोड़ी देर के लिए उसे नींद आएगी या फिर नहीं, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। सीरियल्स की ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।